हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाई चोपड़ा। दोस्तों, राजस्थान स्टेट के मोपअप राउंड में जो धांधली हुई है वह बहुत ही शर्मनाक है। 21 अगस्त के दैनिक भास्कर के लेख के अनुसार 15-15 लाख रुपए में एनआरआई के लिए आरक्षित की 212 सरकारी मेडिकल सीट, स्टूडेंट नहीं आए तो खाली रही 93 सीट मोपअप राउंड में दिल्ली हरियाणा जैसे राज्यों को दे दी। दोस्तों, काउंसलिंग बोर्ड ने राजस्थान काउंसलिंग को एक दुकान बना दी है और सरेआम दुकान की तरह वो एनआरआई की सीट बिक्री करके स्टूडेंट के साथ में धोखा कर रहे हैं। इससे ज्यादा काउंसलिंग बोर्ड के लिए और क्या शर्म की बात हो सकती है? सरकार ने अपनों को फायदा देने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी एनआरआई की सीट दे दी थी, जिनको लेने वाला कोई नहीं है। एक तो स्टूडेंट को सीट नहीं मिल रही है, इतनी ज्यादा कट ऑफ जा रही है, दूसरी तरफ एनआरआई सीट वैकेंट रहकर बिक्री कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर राजशेखर यादव सर का, जो स्टूडेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमेशा ही एनआरआई सीट के खिलाफ रहे हैं। उनका कहना है कि एनआरआई सीट को गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं देना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई देने का कोई औचित्य नहीं बचता है। गवर्नमेंट ने जो 450 सीट ईडब्ल्यूएस के फेवर में बढ़ाई थी, उन सीटों को भी एनआरआई में कुछ सीटों को कन्वर्ट कर दिया है, कुछ सीट एनआरआई को दे दी है। दोस्तों, एक तो सीट नहीं मिलने पर स्टूडेंट अपने जान देने को तैयार हैं, दूसरी तरफ काउंसलिंग बोर्ड द्वारा ये अनियमितता बरती जा रही है काउंसलिंग में। काउंसलिंग में स्टूडेंट के साथ में धोखा किया जा रहा है। सेकंड राउंड में इन्होंने मैपिंग ठीक से न करके पूरे भारत में राजस्थान को शर्मसार कर दिया है। मेडिकल में चयन नहीं हुआ तो दे दी जान, ये सीकर कि एक छात्रा जो परी मेडिकल में चयन नहीं हुआ है, मानसिक अवसाद से चलते दातारामगढ़ क्षेत्र के मंगलपुरा बानुड़ा गांव की 21 वर्षीय युवती निर्मला कुमारी ने घर के परिसर में लगे पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। तो इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। ये राजस्थान काउंसलिंग बोर्ड कुछ अपने को फायदा दिलाने के लिए स्टूडेंट के साथ में धोखा कर रहे हैं। स्टूडेंट का, इनका फ्यूचर का कोई चिंता नहीं है इनको। दोस्तों, हर स्टूडेंट को न्याय मिले हम यही चाहते हैं। आप अपने आवाज प्रधानमंत्री ग्रीवेंस पोर्टल पर भी उठा सकते हैं। आप pgportal.gov.in पर अपने शिकायत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को आप ये शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने हक की लड़ाई खुद लड़ें। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है इस पोर्टल पर आप शिकायत करें। दोस्तों, इस बात से परेशान होकर एक स्टूडेंट ने अपने मन की बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो इसको मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ आप तक। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँच सके और स्टूडेंट के साथ में न्याय हो सके। तो दोस्तों, सुनते हैं इनकी व्यवथा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हर माह हम सभी छात्र आपके मन की बात रेडियो पर सुनते हैं। आज राजस्थान के नीट क्वालिफाइड छात्र अपने मन की बात आपसे साझा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, राजस्थान के नीट क्वालिफाइड छात्रों के साथ एक ऐसा अन्याय होने जा रहा है जिसे समय पर नहीं रोका गया तो उनके युवा और कोमल मन पर ये एक ऐसी अमिट छाप छोड़ देगा जिसे ये युवा कभी नहीं भुला पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, राजस्थान नीट काउंसलिंग बोर्ड ने काउंसलिंग प्रक्रिया में घोर लापरवाही व अनियमितताएं की है, जिसका खामियाजा राज्य के प्रतिभाशाली व मेधावी छात्र भुगत रहे हैं। इनकी लापरवाही के कारण कम अंक वाले छात्रों को अच्छे कॉलेज मिलने जा रहे हैं, जबकि नीट में अच्छे अंक लाकर भी राज्य के मेधावी छात्रों को दूर दराज के मेडिकल कॉलेजेस में मुश्किल से प्रवेश मिल पा रहा है। मेरिट के साथ घोर अन्याय हो रहा है। जिन छात्रों को आज अपने कॉलेज में क्लासेस में होना चाहिए था, वो आज अदालतों में न्याय की गुहार लगा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि काउंसलिंग बोर्ड की लापरवाही की सजा ये मेधावी छात्र और इनके गरीब माता पिता क्यों पाएं? काउंसलिंग बोर्ड की गलतियों की सूची बहुत लंबी है। इसी काउंसलिंग बोर्ड ने एनआरआई कोटा के नाम पर राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की 200 से अधिक सीट्स पर कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश दिया है। जब राज्य में इन्हें पर्याप्त एनआरआई कैंडिडेट्स नहीं मिले तो इन्होंने वो सीट्स
राज्य के बाहर के कैंडिडेट्स को दी जिन पर वास्तव में राज्य के छात्रों का हक था। एक और जहां राज्य के प्रतिभाशाली छात्र प्रत्येक शीट के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, वहीं काउंसलिंग बोर्ड की गलत प्रक्रिया और बोर्ड की लापरवाही से सैकड़ों सीट्स भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी, प्रक्रिया के इस दोष का नतीजा ये है कि आज राज्य के होनहार छात्र अपने साथ हो रहे अन्याय से कुंठित हैं। आपसे सादर अनुरोध है कि MCI को आवश्यक दिशा निर्देश देकर अन्याय और लापरवाही के इस कुचक्र को रोकें। यदि ऐसा हुआ तो ये छात्र संभवतया आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न ढंग से मना पाएंगे, जिसका जिक्र आप अपने भाषणों में प्राय करते हैं। धन्यवाद।